साजिद खान को सॉलिड तरह से टक्कर देने के लिए आखिर किसकी जबरदस्त तारीफें हो रही हैं और आखिर घर में किसके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि उन्होंने सीधा सीधा साजिद खान की वाट लगा दी है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि साजिद खान अब तक इस सीजन में अंडर द रेडार चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। अंकित को सुंबुल को टोका जा रहा है कि आप लोग अंडर द रेडार हैं, आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है गेम में, आप घर के अंदर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये सेम चीज तो साजिद पर भी लागू होती है। वो अब्दू रोजिक के ट्रांसलेटर के अलावा घर में उनकी कोई अहम भूमिका नहीं है। वो अलग बात है कि किसी किसी सिचुएशन पर डेफिनेटली साजिद के अंदर का मॉन्स्टर बहुत एविडेंटली वायरल हो जाता है और दिखता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। ऐसे में खुलेआम साजिद को चैलेंज करना, या खुलेआम अब तक किसी ने भी साजिद को ना नॉमिनेट किया, ना किसी ने भी उनके अगेंस्ट जाकर कोई बात की, ना फिर किसी ने साजिद को कभी कन्फ्रंट किया है घर के अंदर। अगर आप देखें तो अर्चना ने कल कोशिश की थी, लेकिन शिव हमेशा उस पूरे मुद्दे को दबा देते हैं। जब साजिद खान का एक अलग रूप दिखने लगता है, उसी वक्त शिव ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो पूरा मुद्दा वहीं का वहीं ढल जाता है। सो ये गलत है कहीं ना कहीं मेरी नजरों में। अब मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर और कोई नहीं बल्कि एक्स कैप्टन गौतम विग। जी हाँ, कल के एपिसोड में गौतम ने जिस तरीके से साजिद खान को सबसे पहले कैप्टनसी की रेस से बाहर कर दिया, तड़ीपार कर दिया, वो देखकर सभी लोग बहुत खुश हैं। और इसीलिए ट्वीट्स में आपको बता दूं कि कॉन्स्टेंटली ये जितना भी आप देख रहे हैं नीचे, जी हाँ, वो वायरल हो रहे हैं। किसको लेकर? साजिद खान को लेकर। हर कोई कह रहा है कि साजिद अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि अब तुम्हें लोग सीरियसली लेना शुरू करेंगे, क्योंकि तुम्हें जैसे ही साजिद खान को कैप्टनसी से बाहर किया गया, वैसे ही बाहर अच्छे अच्छे रिएक्शन सामने आने लग गए। हर कोई यही कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि साजिद कैप्टनसी से बाहर हो गए, और बहुत जरूरी है अब घर के लोगों को उन्हें साजिद सर कहकर कहना बंद करना पड़ेगा, और उन्हें सीरियस कंटेंडर के तौर पर देखना शुरू करना चाहिए, तभी ये गेम इवेंचुअली आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ फैंस कहते हैं, गौतम विग टुक अ ब्रेव डिसीजन बाय एलिमिनेटिंग साजिद फर्स्ट, बाकी सब कंटेस्टेंट जो है वो तो सिर्फ साजिद सर कहते रहते हैं और एक्शन कोई नहीं लेता। उसी के साथ साथ कल जिस तरह से साजिद खान ने एक बार नहीं बल्कि आपने अगर नोटिस किया हो, कल जिस तरह से साजिद खान ने गोरी नागोरी को लेकर बात की कि वो है कौन, हु इज शी, अगर आप उसे दोस्त मानते हैं तो फिर एक सेकेंड में आपने उसकी कैसे धज्जियां उड़ा दी। उसने भले ही जिस भी रीजन से आपके साथ जो भी उसने हरकत की हो, लेकिन कल एक चीज बड़ी क्लियरली एविडेंट हो गई कि साजिद खान किसी के भी नहीं है। इनफैक्ट इस ग्रुप में कोई किसी का नहीं है। स्टैन ने जब उल्टी बात की तो शिव ने फिर भी सर नीचे कर उसकी बात सुन ली तसल्ली से, लेकिन साजिद ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो दोस्ती है ये बहुत झूठी है और ये दिखावे की है। साजिद भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा जरूर। गौतम विग ने ये जो स्टैंड लिया, आई एम डैम हैप्पी विद दिस, आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा।